आप सभी को पता ही होगा कि दोस्तों विरूपक्ष मूवी जो है वो OTT पर तो रिलीज हो चुकी है, लेकिन फिलहाल सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज में। नेटफ्लिक्स वालों ने इसे हिंदी डब में रिलीज नहीं किया है। तो क्या होने वाली इसकी हिंदी डब की OTT रिलीज डेट, कब तक हम इस मूवी को देख पाएंगे? अगर आप जानना चाहते हो, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। नो डाउट दोस्तों मूवी बहुत ज्यादा सुपर्ब है, अभी भी थिएटर में लगी हुई है, बहुत लोग इसे थिएटर में भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अब तो हम तो दोस्तों OTT वाले हैं, तो भाई OTT पर ही मूवी देखेंगे। दोस्तों आप इस एक बात बताना कि भाई नेटफ्लिक्स वाले जो साउथ इंडियन लैंग्वेज में पहले मूवी रिलीज करते उसके बाद हिंदी डब में रिलीज करते, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं देखना चाहता हूं दोस्तों ऑडियंस इस बात पर क्या रिएक्ट करती है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दे देना। बात करें दोस्तों विरूपक्ष मूवी के बारे में, तो हिंदी डब भी आपको नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन दोस्तों बात आती है रिलीज डेट को लेकर, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप दोस्तों ध्यान कर लो कि दोस्तों पहले इन्होंने दशहरा मूवी रिलीज की थी, जो कि साउथ इंडियन लैंग्वेज में आई थी, और अब जाकर यानी कि लगभग 25 मई को इन्होंने हिंदी डब दशहरा का रिलीज किया है। तो बिल्कुल सेम टू सेम विरूपक्ष मूवी के साथ भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि इस मूवी को थिएटर में ही दोस्तों जो है थोड़ा लेट हिंदी में रिलीज किया गया था। उस वजह से एक जो प्रॉपर शेड्यूल होता है दोस्तों हिंदी डब में आने का OTT का, वो हिंदी लैंग्वेज के लिए कंप्लीट होने का है, इस वजह से इन्होंने इसे अभी तक रिलीज नहीं किया है। और मूवी भी थिएटर में लगी हुई है, तो ये बहुत बड़े कारण है जिसकी वजह से मूवी हिंदी में रिलीज नहीं हुई है। तो फिर दोस्तों बात आती है रिलीज डेट को लेकर, दोस्तों अभी तक कितनी भी न्यूज़ कितनी भी अपडेट्स मैंने दोस्तों चेकआउट किए, बाद विरूपक्ष के हिंदी डब का नाम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और दोस्तों जो भी मैं रिसर्च करता हूँ रिलीज डेट को लेकर, उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि भाई दशहरा की भी मैंने वैसे ही बताई थी। तो विरूपक्ष मूवी आपको जून के महीने में देखने को मिलेंगी, जो कि लगभग 18 जून के आसपास, हाँ सो इस डेट के आगे या पीछे हो सकती है, लेकिन 18 जून मेरे अकॉर्डिंग इसके आसपास देखने को मिल जाएंगी, इतना मानकर चलिए। वैसे आप बताओ इस मूवी के बारे में कमेंट में। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।